मैं और रीना जी यहाँ पर बढ़िया चाय बना रहे हैं। वाह जी वाह। यस, चाय रेडी हो गई है, चाय डल गई है। ये जो चाय हमने बना ली है, ये आपकी चाय है, ये मेरी चाय है। और अब अपनी जो चाय है, बस मैं पीने से पहले 15-20 मिनट फ्रीजर में रख देता हूँ। गरम चाय को फ्रीजर में रखेंगे? हाँ, गरम चाय को अगर मैं फ्रीजर में रखूंगा तो क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगी। चाय कितनी भी गर्म हो, अगर फ्रीजर में होगी तो फ्रीज हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी या फिर ल्यूकवार्म हो जाएगी। और वो चाय, ऐसे अभी धुआं निकल रहा है, ऐसी चाय नहीं रह जाएगी। ऐसे कई बार हम विश्वास से भरे होते हैं लेकिन फ्रीजर में होते हैं। हमारा एनवायरमेंट, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारी कंपनी ऐसी होती है जो हमें ठंडा कर देती है, जो हमें बिल्कुल ल्यूकवार्म से भी नीचे ले जाती है और माइनस डिग्रीज में ले जाती है। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्पिरिचुअल कंपेनियनशिप कैसी है, हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे आसपास एनवायरनमेंट कैसा है। गर्म होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस गर्म चीज को अगर हम फ्रीजर में रख देंगे तो इट इज ओवर, इट इज फिनिश्ड। और गर्म और ठंडा हम मिला नहीं सकते। यस, तो जो गर्म है उसको गर्म की तरह ही पीना है। तो हमें अच्छी संगति में रहना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप भी ढूंढें कि आपको ऐसी संगति मिले जो आपको परमेश्वर में आगे बढ़ा। रेवोल्यूशन 3:16 में लिखा है, ल्यूकवार्म मत बनो, गर्म हो जाओ। यीशु मसीह की जय।